खुश आमदी तो सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज मैं बात तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक लास्ट भी देखना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से रेगुलर न्यूज लाता रहता हूं। तो इसी के साथ आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर कनेक्ट काशान की तरफ से। तो रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही थी जिसके अंदर एक बंदा बिना कपड़ों के बाइक चला रहा था और फिर बाद में वो पकड़ा गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और उस इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड किया गया और उसके अंदर उसके सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछे और पर्सनल डिटेल्स पूछी और फिर जो उन्होंने सारी उनकी पर्सनल डिटेल्स रिकॉर्ड की थी वो सारी उन्होंने सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, जिसको बहुत ज्यादा लोग शेयर भी करना शुरू हो गए, जिसपे कनेक्ट काशान काफी ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये कहा, अब एक वीडियो चल रही सोशल मीडिया पर, वो जो एक बंदा है बाइक चला रहा है बिना कपड़ों के। पहली बात तो ये कि हर कहानी के ना कुछ पहलू होते हैं, उसको देखना चाहिए। पहली बात ये है कि वो बंदा जो है ना मेंटली डिस्टर्ब है और आपने जो भंड मारा है, भंड ये मारा है भाई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी पूरी जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने सोशल मीडिया पर फेंक दी है। उसकी बेगम का नाम, उसका नंबर, बच्चे कितने हैं, कहाँ रहते हो, भाई का नाम क्या है, मतलब ये कोई बात है? तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हें नया नया मोबाइल यूज़ करना है, तुमने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दी तफरी के अंदर कि ये देखो जो बंदा घूम रहा था ना उसकी ये वीडियो चेक करो, उसने आगे लगा दी। इस तरह फैल गई आग की तरह, लोग शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, वही ये देख तेरा भी आज यही होने वाला है। यार सोचे बंदा, हम ये मोबाइल फ़ोन जो है ना ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जब सब किसी के हाथ में आ गया तो यूँ उठाऊँ और कैमरा और जो है ना बनाने लग जाऊँ उसकी वीडियो। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है भाई, मैं उसके एक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहा, उसके बाद जो आपने हरकत की है, जो उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर लीक की है, ये घटिया कहानी है कि उनकी वाइफ की वीडियो आई है जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दें जो सोशल मीडिया पे। जिससे तो बड़े भाइयों, अगर तुम लोगों ने भी जितने भी मीमर्स हैं, ये लोग ना बड़े अच्छे जानते हैं ऐसे लोगों को, यार प्लीज़ रिक्वेस्ट करो और ये वीडियो डिलीट करवाओ। क्योंकि आप ये सोचो कि देखो ऐसा होता है, काफ़ी लोग होते हैं जो वक्ती तौर पर थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं फिर उसके बाद में ठीक होते हैं, और जब वो बंदा बाद में ठीक होगा तो सोचो फिर वो ये वीडियो देख के कितना वो होगा कि यार मेरे बच्चे, यार कल को ये बड़े हो गए ये वीडियो ना आ जाए कहीं ना। क्योंकि देखो ये सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ गई फिर वो जाती नहीं है। वो जो आंटी थी वो ये बिक गई है गवर्नमेंट, कितनी पुरानी वीडियो थी वो, लेकिन वो अभी 2 साल पहले 3 साल पहले दोबारा से वायरल हुई और फिर वही हुआ, उनकी आंटी, इनका पूरा बयान आया अखबार के अंदर कि यार मेरी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद हो गई। तो आई होप कि इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करवा दीजिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर शमीर अब्बास शाह की तरफ से। तो शमीर अब्बास शाह के वीडियोस में काफी ज्यादा डिले आ रहा था, जिसके ऊपर उन्होंने सॉरी करते हुए अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं, टीम अल्ट्रा सॉरी फॉर द डिले, आई वॉज टू बिजी, विल बी बैक सून। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर रजा समो की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2021 आने वाला है, तो इसी पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए रजा समो ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये बताया था कि नए साल के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट करवा रहे हैं और ये इवेंट उनके रेस्टोरेंट पोस्ट मॉडर्न मंडेर में होगा। मजीद इस इवेंट के बारे में बताते हुए, उसकी डेट के बारे में बताते हुए इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये कहा, भाईजान नया साल फेस्ट आने वाला है पोस्ट मॉडर्न मंडेर, नया साल मनाएंगे साथ कट्ठे, स्टैंड अप कॉमेडी भी होगी मेरी, ये ना सोचना कि भाई बाद में वीडियो आ जाएगी देख लेंगे, वीडियो नहीं आती, ये एक्सक्लूसिव है, वहां जाके देखना पड़ता है। और भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत सारे मेरे साथ आर्टिस्ट हैं, तो भाई आओ किधर, सीधा पोस्ट मॉडर्न मंडेर गूगल करो, पहुंच जाओ, ठीक है। 31st को शुरू होगा तो जी ज़रूर आना है। पिछले जो लोग जिन्होंने स्टैंड अप मिस किया, बहुत कुछ मिस किया आपने, अब ये अगर आपने मिस कर लिया ना भाई साहब, आपके होंगे प्लान्स, कैंसिल कर दो, सही बता रहा हूँ, कैंसिल कर दो, इधर आके मज़ा ना आए ना। अब मुझे क्या करना, कुछ गलत कर देना मेरे साथ, ठीक है, लेकिन आओ। और भैया जी हम तो ये म्यूजिक सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं, ये लेको सागा पागा धनी शादा सी छा दी छाप लगे हुए, किस लिए सीख रहे हैं, इसलिए कि आपके सामने परफॉर्म करें और आप आए उधर करें, आए इधर आप जरूर आए लिखे। एक नहीं, फॉर फुल परफॉर्मेंस कम टू पोस्ट मॉडर्न मंडेर नया साल फेस्ट 31st December। तो लेट्स सी कि इवेंट कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर सनास बकेट की तरफ से। तो सनास बकेट ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, टेल मी योर स्टोरीज, योर सक्सेस, योर फेलियर्स, योर स्ट्रगल्स, रीजंस व्हाई आर यू स्ट्रेस्ड, योर लव स्टोरीज, योर हार्ट ब्रेक्स, राइट मी योर स्टोरीज एट, आगे उन्होंने अपना जीमेल दिया हुआ है, आई विल शेयर देम ऑन माय चैनल एंड विल कीप योर नेम हिडन, ईमेल करना यहां डीएम ना करना। तो अगर आप लोगों को इनकी वीडियो में फीचर होना है, उनके साथ कोई स्टोरी शेयर करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं इनकी ईमेल पे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर इरफान जुनेजो की तरफ से। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमजा
इब्राहिम की म्यूजिक वीडियो की शूट हो रही थी, तो उसी पर अपडेट करते हुए इरफान जुनेजा ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, रेकी फॉर हमजाज म्यूजिक वीडियो। तो इसका मतलब हो सकता है कि इस म्यूजिक वीडियो के अंदर इरफान जुनेजा भी फीचर हो। तो लेट्स सी कि ये म्यूजिक वीडियो कैसी होने वाली है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो ये भोला रिकॉर्ड की तरफ से। तो भोला रिकॉर्ड की जैसे कि लास्ट टाइम एक म्यूजिक वीडियो आई थी जो कि बहुत ही सक्सेसफुल गई थी, तब उनकी एक और म्यूजिक वीडियो आने वाली है जिसका उन्होंने ट्रेलर अपलोड कर दिया पुठी टोपी गैंग के चैनल पे, और उसी की डेट बताते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा 31 दिसंबर। तो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। और अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो गेमिंग कम्युनिटी में सबसे पहले न्यूज आ रही है एफएम रेडियो गेमिंग की तरफ से। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ओनली ड्रॉप चैलेंज किया है और वीडियो में वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो एफ एस बाबा की तरफ से। तो रिसेंटली हुआ है कि एक बंदा जिसका नाम है दानी ओपी, जिसने एफ एस रिस्पेक्ट पे वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बेसिकली एफ एस रिस्पेक्ट और कुछ और एफ एस वालों को रिप्लाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बोला था कि दानी ओपी बिला वजह हर मामले में टांग अड़ाता रहता है, इससे बोला जाता नहीं, और बिला वजह एक्सपोज वीडियोस बना रहा होता है हर किसी पे। दानी ओपी की इसी वीडियो में उसने एफ एस बाबा के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि काफी लोग दानी ओपी को ये कह रहे थे कि एफ एस बाबा को भी रिप्लाई करें, जिसपे उन्होंने ये कहा कि मैं एफ एस बाबा के घर से लेके नहीं खाता और बाबा जो भी है हम डरते नहीं है। उसके अलावा और भी उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत कुछ कहा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि एफ एस बाबा अपने चैनल पे स्ट्रीम कर रहे थे जिसपे काफी लोग ये लिख रहे थे कि दानी ओपी को रिप्लाई करो, और ये बता रहे थे कि दानी ओपी ने आपको ये बोले। तो उसके बारे में बात करते हुए और दानी ओपी को रिप्लाई करते हुए एफ एस बाबा ने ये कहा, यार मेरी बात सुनो, मुझे मेरे मॉड ने बता दिया है उसने क्या कहा। ओके, मैं रिप्लाई दूंगा उसको, दानी ओपी को प्यारा सा रिप्लाई। पहली बात भाई, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है, सही है। एक तो तुम लोग जो अटेंशन सीकर हो, सही है, वल्ला अटेंशन सीकर है, मैं तो जानता भी नहीं, ठीक है। एक तो ना लाइक फेम तो लेते हैं दूसरों के क्लैन में जाके और फिर शोधे बनते हैं, लाइक बात को समझ रहे हो, जाएंगे दूसरे क्लैन में जाएंगे, फेम लेंगे, शोधे बनेंगे, शाउट आउट लेंगे, अपनी तरफ से बहुत शोधे बनते हैं, और इनको जानता भी नहीं कोई, ये ऐसे ही होते हैं, सही है। तेरी औकात क्या, औकात को छोड़ तू है क्या, बोले मुझे लगा दानी पता नहीं अपना बबलू का दानी, मैं वो भी बोलूँ लाइक अगर उसने गाली शाली दिया कोई मसला नहीं, वो तो हम आपस में चली जाती, लड़ाई उधर एस एस जी की चल रही है, रिस्पेक्ट की चल रही है, बीच में अपनी बहन पेश करने लग जाएंगे, हालांकि बीच में मेरा रोल बनता है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, फायदा ही नहीं है लाइक लड़ाई में घुसने का, उन दोनों की आपस की लड़ाई है, ये एक चीज में घुसना है, व्यूज चाहिए, ये चाहिए, समझ जाओ जितने भी पुराने शराने सारे ये ऐसे ही होते हैं, इन्होंने लेना होता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है खान साहब की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि खान साहब के काफी ज्यादा मसले चल रहे थे चैनल के बारे में, तो मसले फाइनली रिजोल्व हो चुके हैं, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से फाइनली माय चैनल इज ऑल सेट, मे बी 24 to 48 hours लगे मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगी दोबारा और आप वीडियोस किसी भी रीजन में ब्लॉक नहीं होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू खान साहब फॉर दैट। इसके बाद नेक्स्ट जो गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है पबजी मोबाइल की तरफ से। तो पबजी मोबाइल सेमीफाइनल्स खत्म हो चुके हैं पीएमपीसी के और अब ग्रैंड फाइनल चल रहे हैं, जिसमें के टोटल 16 टीम्स है और 3 दिन का एक्शन होगा इसमें, जिसमें के टोटल 15 मैचेस होने थे और 2 दिन उसके गुजर चुके हैं और 10 मैचेस हो चुके हैं और लास्ट डे ऑफ एक्शन आज होगा और टोटल 11 टीम्स को प्राइस पूल मिलने वाला है जो कि टॉप 11 टीम्स होंगी। तो मैं अभी तक के आप लोगों के साथ स्टैंडिंग शेयर कर देता हूं, आप लोग स्क्रीन पर आ रही होंगी। उसके अलावा टॉप 11 टीम्स को क्या प्राइस पूल मिलने वाले वो भी आप लोग स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो भी पबजी मोबाइल की तरफ से आ रही है। तो पबजी मोबाइल ने पाकिस्तान में वेब सीरीज बनाई है बेस्ड ऑन पबजी और उसकी पहली एपिसोड आ चुकी है, और उसी एपिसोड के बारे में बताते हुए पबजी मोबाइल ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया, पबजी मोबाइल पाकिस्तान वेब सीरीज गली स्क्वाड्स एपिसोड 1 आउट नाउ, कमिंग राइट फ्रॉम कराची गली, दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्क्वाड दैट मस्ट फाइट अगेंस्ट टाइम आउटसाइड द बैटल ग्राउंड बट व्हाई एंड विल दे सक्सीड, वॉच टीपीपी का खेल एज वी ब्रिंग यू पबजी मोबाइल पाकिस्तान फर्स्ट एवर वेब सीरीज। तो अगर आप लोगों ने पहली वेब सीरीज की एपिसोड देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लेट्स सी कि इस वेब सीरीज की अगली एपिसोड्स कैसी होने वाली है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में सबसे पहले न्यूज आ रही है बोहेमिया की तरफ से। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि बोहेमिया कोक स्टूडियो में आने वाले थे, तो फाइनली उनका सॉन्ग आ चुका है कोक स्टूडियो वाला। अगर आप लोग ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है रैप डीमन की तरफ से। तो रैप डीमन ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसके अंदर बेसिकली वो इनडायरेक्टली अली सफर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा, आई एम सिक ऑफ दिस नॉन हिप हॉप मोफोस ट्राइंग टू सेल इन द नेम ऑफ हिप हॉप व्हाइल द रियल वन स्ट्रगल टू बी हर्ड आफ्टर पुटिंग ऑल द ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इन एवरीथिंग दे हैव बीन डूइंग सिंस डेकेड्स। इसके अलावा मैं आप लोग बता चलूं कि रैप डीमन का जो कोलैब
पहला हंजुम के साथ आने वाला था जिसका नाम था मुंह के फायर, तो वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है बॉडी तलहा अंजुम की तरफ से, तो इसलिए कुछ दिनों पहले एक टिकटॉकर बोल शो में आया हुआ था, जो बेसिकली शो होता है जिसके अंदर टिकटॉकर इंस्टाग्रामर्स वगैरह को बुलाया होता है। तो उसमें एक टिकटॉकर ने आगे तलहा अंजुम के गाने की कॉपी की और गाकर सुनाया और ये कहा कि उसने लिखा है वो। तो जब तलहा अंजुम के इस बारे में पता चला तो तलहा अंजुम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसी पर उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, कमिंग फॉर एनीबॉडी हु कॉपीज माय वर्क वेदर इट्स अ टिकटॉकर और स्टूपिड टीवी चैनल। और इसीलिए फिर से ये हुआ कि एक और सॉन्ग कॉपी किया उसी टिकटॉकर ने, जो हिप हॉप पीके ने शेयर भी किया अपने इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोगों ने दोनों पार्ट सुनने हैं तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यार ये सब देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा, अब तो सच बोल दे भैंसड़ी के। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो ये तलहा यूनस की तरफ से। तो तलहा यूनस का न्यू ऑडियो सॉन्ग अफसाने आउट हो चुका है इन कोलैबोरेशन विद तलहा अंजुम। तो आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो ये सात खान की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि सात खान का एक आखिरी ट्रैक आने वाला था कामिल मिक्स टेप से, तो वो ट्रैक फाइनली आ चुका है जो कि जोखे ने प्रोड्यूस किया। अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है बिस्मा खान की तरफ से। तो बिस्मा खान का भी एक नया सॉन्ग आ चुका है फ्लेक्स इन कोलैबोरेशन विद सैविज, तो अगर आप लोगों ने वो भी सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो एनिमे न्यूज में सबसे पहली न्यूज है कुमा 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 बियर की तरफ से। तो इसका भी सीजन 2 फाइनली अनाउंस हो चुका है और उसी के बारे में बताते हुए फनीमेशन ने अपने ट्विटर पर ये ट्वीट किया, न्यूज कुमा 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 बियर सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस्ड। तो लेट्स सी कि ये सीजन 2 कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है बॉरी एलबीएक्स गर्ल्स की तरफ से। तो इस एनिमे की प्रीमियर डेट के बारे में बताते हुए फनीमेशन ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ये कहा, LBX Girls premieres January 6 only on Funimation। तो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर गीकी डॉल की तरफ से। तो इस एनिमे की भी प्रीमियर डेट शेयर करते हुए फनीमेशन ने अपनी इंस्टाग्राम पर ये कहा, गीकी डॉल प्रीमियर्स और फनीमेशन जनवरी 5 विद अ स्पेशल अर्ली प्रीमियर इवेंट ऑफ जनवरी 4। तो लेट्स सी कि ये भी कैसा होने वाला है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अचीवमेंट्स में हमारे सबसे पहले आ रहे हैं लोहे जहां, तो उन्होंने क्रॉस कर लिए 1K सब्सक्राइबर्स, शोकी गेमर ने क्रॉस कर लिए 1K सब्सक्राइबर, यूकारिया ने क्रॉस कर लिए 1K सब्सक्राइबर, तलहा अहमद ने क्रॉस कर लिए 2K सब्सक्राइबर्स, परवीन किचन ने क्रॉस कर लिए 3K सब्सक्राइबर्स, बैतुल सलाम ने क्रॉस कर लिए 10K सब्सक्राइबर्स, एनटीडी प्लेस ने क्रॉस कर लिए 80K सब्सक्राइबर्स, रैप डीमन ने क्रॉस कर लिए 80K सब्सक्राइबर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पाकिस्तान ने क्रॉस कर लिए 100K सब्सक्राइबर्स, एफएम रेडियो गेमिंग ने क्रॉस कर लिए 150K सब्सक्राइबर्स, और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो द फन फिन की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस कर लिए 300K सब्सक्राइबर्स। तो कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो बस आज के में इतनी न्यूज थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इसी के साथ मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।